8-9 महीने पहले हम जो मुक्ति बाहिनी से लड़ते रहे, इनफैक्ट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियंस। मेरा नाम मेजर मुमताज़ हुसैन शाह है और अक्टूबर 70 में मैं ईस्ट पाकिस्तान में गया था एज ए यंग कैप्टन इन ब्रिगेड क्वार्टर एज ए स्टाफ ऑफिसर, और 71 वार से पहले आई वाज पोस्टेड टू सिलेट सब सेक्टर। ज़्यादातर में अरसा जो है मैं वो चिटागांग कुमेला में रहा, फिर वार से पहले सिलेट चला गया और देयर आई वाज प्रमोटेड एंड फॉट वार एज ए मेजर। भारत का किरदार दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट अमाउंट्स टू स्टैबिंग समबडी फ्रॉम बैक, तो हमारे साथ यही हुआ। और अनफॉर्चुनेटली भारत ने सिर्फ हर महाज पर मुक्ति बाहिनी की सपोर्ट की, और जिसकी वजह से वी हैड टू 8-9 महीने पहले हम जो मुक्ति बाहिनी से लड़ते रहे, इनफैक्ट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियंस। इंडिया ने एक ड्रामा पहले किया कि हमारी फ्लाइट्स जो है बिटवीन बोथ विंग्स वो सस्पेंड करा दी, क्योंकि वो ड्रामा करके हाईजैकिंग का ड्रामा, दैट्स ए नोन फैक्ट। इसके अलावा नेवल ब्लॉकेट, और अब आप देख लें कि जी तीन तरफ अगर आपके इंडिया हो और चौथा जो समुंदर है वो भी आप यूज़ ना कर सके, तो यू हैड नो कनेक्शन विद योर बेस। और जो था एयर रूट सस्पेंड होने की वजह से हमारा फासला ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का 6 गुना ज़्यादा हो गया। इंडियंस वर ऑपरेटिंग विद दीज पीपल राइट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, और ये लोग जब गए बंगालीज या जो रेबल्स थे, जो आर्म फोर्सेस के डिजर्टर थे, दे वेंट टू इंडिया, दे वर ट्रेंड देयर, इक्विप्ड देयर, एंड देन दे वर सेंट बैक टू ईस्ट पाकिस्तान फॉर सेबोटाज ऑपरेशंस। तो जिस पे वो मुख्तलिफ शहरों में आकर उनकी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टार्ट रही, अगरचे बड़े बड़े जो शहर थे उन सब पे मई तक, अप्रैल मई तक पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल हो गया था, लेकिन जो इंटीरियर था उसमें नेचुरली इट्स ए वेरी वास्ट लैंड, और फिर इट्स ऑल वाटर लॉग्ड लैंड जिसमें ऑपरेट करना जो था वो खासा मुश्किल था। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिहारी और दूसरी कम्युनिटी के साथ वो दैट वाज उर्दू बीइंग द लैंग्वेज, क्योंकि वो समझते थे कि जी ये, जिसकी वजह से मुक्ति बाहिनी जो थे वो देवर अगेंस्ट ऑल द बिहारीज, और इनका उन्होंने जहाँ जहाँ उनको मौका मिला, जहाँ दे फाउंड देम, उनका कत्लेआम हुआ। और इसमें ख़ास तौर पर आई वुड लाइक टू मैंशन एन इंसीडेंट विच टुक प्लेस इन चिटागोंग, जिसका मैं आई विटनेस हूँ, जहाँ एक कॉलोनी थी दैट वाज मोस्टली बिहारी एंड नॉन बंगालीज, उनको एक जगह पर इकट्ठा करके अबाउट 1000 वेमेन एंड चिल्ड्रन, मोस्टली वेमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि मर्द उनमें वी डिडंट फाइंड अमंगस्ट द डेड बॉडीज, तो उनको वहाँ एक हॉल में कत्ल किया गया। उसके बाद उनकी डेड बॉडी साथ ही बिल्कुल उसके कम्प्लेक्स के साथ रिवर कटाफली था उसमें फेंक दी गई, और उसमें से भी रिकवर्ड वन यंग गर्ल, देन शी वाज जस्ट अबाउट 15 इयर्स ओल्ड, शी इज़ माशाल्लाह स्टिल लाइव, अभी तो नानी दादी है, तो शी लिव्स एट कराची एट द मोमेंट, वो जो थी उनको अपने रिकवर किया, शी हैड अ बुलेट इन हर नेक और शी वाज अलाइव। इसी तरह 6 और औरतें थी और 7 छोटे छोटे बच्चे थे 5 साल से लेकर 10-11 साल के। जहाँ कहीं भी हम पर हमला हुआ तो उसमें मुक्तिज़
they were providing all possible information to Indians कि यहाँ है ये उनकी जगह. बल्कि जो पहला हमला मेरी बटालियन पे हुआ 31 पंजाब की बी कंपनी हमारी थी विच वॉज ओवर रैन बाय इंडियन 4-5 गोरखा रेजिमेंट. वो दैट वॉज मुक्तीज दे लेड इंडियंस थ्रू गैप्स और आकर उन्होंने वो हमारी पूरी की पूरी एक कंपनी थी जिसको उन्होंने तहस नहस कर दिया और उनसे उसमें से कोई चंद एक सर्वाइवर थे जो बच के वहाँ से निकल सके वरना एंटायर 150-200 बंदे जो थे देवर मैसेकर्ड. आप पाकिस्तान आर्मी कह लीजिए या आर्म फोर्सेस कह लीजिए दे आर दी बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज. दे आर नॉट ओनली गार्डिंग आर आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर दे आर नॉट ओनली गार्डिंग आर ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स बट दे आर ऑल्सो गार्डिंग आर आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑल्सो एंड नेचुरली दे हैव टू बी बैकबोन ऑफ योर डिफेंस. और पूरी नेशन जो है दे शुड सपोर्ट आर्म फोर्सेज और ताकि वी शुड बी एबल टू ओवरकम दिस डिफिकल्ट टाइम.